दोस्तों यूपीआई में हम अब तक सेविंग बैंक अकाउंट ऐड कर पाते थे जो कि हम डेबिट कार्ड से ऐड करते थे। अब बहुत बड़ी चेंजिंग, बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। हम अपने सेविंग बैंक के साथ साथ यहां पर क्रेडिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो भी यहां पर ऐड कर सकते हैं, चाहे फोन पे यूज करते हैं, चाहे गूगल पे यूज करते हैं, कोई भी यूपीआई ऐप आप यूज करते हैं, आसानी से आप अपने क्रेडिट कार्ड से वहां पर पेमेंट किसी को भी कर सकते हैं। चाहे आपके बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस है तब भी आप किसी को भी आराम से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, वो भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू। दोस्तों इससे क्या होगा, इससे हमारे चार्जेस भी बचेंगे, जो भी हिडन चार्जेस होते हैं या फिर कोई सर्विस चार्ज होता है तो वो भी हमारा आसानी से बच सकता है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको भी पता चल पाए कि किस तरीके से हम क्रेडिट कार्ड को ऐड कर सकते हैं हम अपने फोन पे, गूगल पे या फिर कोई और यूपीआई ऐप में। दोस्तों मेरा नाम है सैफ इम्तियाज, आप देख रहे हैं स्काइकिंग टेक्निकल। चलिए इस वीडियो को शुरू करें। दोस्तों हम क्रेडिट कार्ड से आसानी से यूपीआई को ऐड कर सकते हैं, यूपीआई को सेटअप कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, अगर हम फोन पे चलाते हैं या फिर गूगल पे चलाते हैं तो सबसे पहले आपको चले जाना है आप अपने भीम ऐप में। यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, भीम ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपका डाउनलोड कर किया हुआ नहीं है तो आप सबसे पहले भीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप अपने यूपीआई से सेटअप कर सकते हैं जैसे कि करते हैं। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे यहां पर, एक बैंक का ऑप्शन मिलेगा, दूसरा मिलेगा आपको क्रेडिट कार्ड का। यहां पर आप क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन में जाएंगे तो क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन में जाने के बाद आपको तीन चार बैंक मिलेंगे जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कितने बैंक हैं। यहां पर इन बैंक के आप क्रेडिट कार्ड अगर यूज करते हैं तो आसानी से आप ऐड कर सकते हैं वहां पर। और जो दूसरे बैंक हैं वो अभी यहां पर लिस्ट नहीं हुए हैं, धीरे धीरे करके काम चल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में काफी ज्यादा बैंक यहां पर आ सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां पर आप अपना जब क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो वो क्रेडिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ रूपी क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपका मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड है तो यहाँ पर अभी ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रायोरिटी यहाँ पर रुपे कार्ड को दी जा रही है, क्योंकि रुपे कार्ड जो है वो इंडियन, टोटली इंडियन कार्ड है। तो यहाँ पर आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास रुपे कार्ड नहीं है तो यहाँ पर टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कार्ड को रिप्लेस करा सकते हैं, आप अपना रुपे कार्ड ले सकते हैं वहां से, और रुपे कार्ड लेने के बाद आप ये काम कर पाएंगे। तो दोस्तों आसानी से यहाँ पर आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। दोस्तों आपको ये वीडियो, मैं समझता हूं, हेल्पफुल लगी होगी। जिनको नहीं पता है आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूल ऐसे यूपीआई रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, स्काइकिंग टेक्निकल नाम से है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।